नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज, में आपके साथ ज्योति। झांसी में कथित तौर पर एनकाउंटर में मारे गए करगुआ गांव के पुष्पेंद्र यादव का मामला अब यूपी पुलिस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। दरअसल ये मामला झांसी जिले के करगुआ गांव का रहने वाला पुष्पेंद्र यादव का है, जो ट्रक बालू ढोने का काम करता था। वही पुष्पेंद्र का एक भाई सीआरपीएफ में है। ट्रकों का जिले के थानों में हफ्ता बंधा होता है, लेकिन पुष्पेंद्र के ट्रक का एक महीने में दो बार चालान हो गया था, जिससे झांसी जिले के मोर थाने के थानेदार धर्मेंद्र सिंह चौहान जबरिया वसूली करने को आए तो पुष्पेंद्र ने हफ्ता देने से मना कर दिया, जिस पर गुस्साए दरोगा ने तैश में पुष्पेंद्र को गोली मार दी और एनकाउंटर का नाम दे दिया। जैसे ही पुष्पेंद्र की मौत की खबर उसके घर वालों को मिली तो उनका बुरा हाल था। साथ ही मृतक पुष्पेंद्र के परिवार जनों में यूपी पुलिस को लेकर आक्रोश भी था। वहीं पुष्पेंद्र के परिवार जनों ने पुष्पेंद्र का शव लेने से मना कर दिया और कहा कि जब तक झांसी एसएसपी ओपी सिंह और मोट कोतवाल धर्मेंद्र सिंह चौहान के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, दोनों को जेल नहीं भेजा जाएगा, तब तक वह शव को हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन यूपी पुलिस ने उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं जाकिर हुसैन कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर लक्ष्मण यादव अपने फेसबुक वॉल पर लिखते हैं कि यूपी में जोगी के नेतृत्व में राम राज्य चल रहा है, जिसमें अन्याय और जातिवाद चरम पर है। फर्जी एनकाउंटर की घटनाओं के पीछे भी जाति काम कर रही है। पुष्पेंद्र यादव को भी फर्जी एनकाउंटर में मार दिया और रात 12 बजे जबरदस्ती उसके शव को पुलिस ने जला दिया। आज पुष्पेंद्र का परिवार न्याय मांग रहा है। पुष्पेंद्र की पत्नी को सुने। व्यवस्था करके वो विदे आए थे, फिर भी दोबारा गए थे 50,000 उस दिन लेके। जब उनसे दूसरे दोबारा रुपए और मांग रहे थे, तब उनने ये कह दिया कि हमें रुपए वापस कर दो। जब उन लोगों ने रुपए वापस नहीं किए, इन लोग हमें न्याय दे दो, हमें न्याय चाहिए हमारे पति को। अब भी आपको लगता है कि अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ा जा सकता, तो अब लड़ने लायक ना बचेंगे। एक जागरूक समाज को अपने लिए लड़ना होगा, संवैधानिक मूल्यों के लिए लड़ना होगा, करारा जवाब देना होगा, वरना कल किसी का भी नंबर आ सकता है। वहीं सपा पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 9 अक्टूबर यानी कि आज पुष्पेंद्र के गांव करगुआ पहुंच पुष्पेंद्र के परिवार वालों से मिलेंगे और यूपी में योगी राज के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूकेंगे। आखिर एक वसूली के लिए किसी की हत्या करना कितना जायज है? लेकिन सच तो यही है, योगी राज में कानून व्यवस्था का हाल बेहाल हुआ पड़ा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।